पंडाल च सज बैठी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत। अज साडे विच नौजवान आगू कौम दा हीरा अमृतपाल सिंह जी, जो वारस पंजाब जथेबंदी दे मुखी है, वो इत्थे पहुँच रहे हैं। वो अपने विचार दस के नौजवानों नूं ते सिखी दे मार्ग वल प्रेरणगे। ते अज वो साडे विच शामिल हो रहे हैं। आओ देखिए उस मरजीबड़े नूं जिन्हें ताक तरंजना दी पाई हुई है। आओ असी भी उसका साथ दईए जिन्हें सिर धड़ दी बाजी लाई हुई है। छड्डो उन्हां गदारां नूं जिन्हां कौम दुबदा विच पाई हुई है। अज सानूं इह मौका है कि पिछले जिहड़े लीडर है जिन्हां ने साडी कौम नूं दुबदा विच पा रखिया है, जदों सत्ता नूं हासिल कर जांदे है ते ओह सारियां सिखां दीआं मंगां, धर्मी जोधे जिहड़े है उन्हां दीआं मंगां, बंदी सिखां दीआं मंगां सारियां नूं भुल जांदे है। गद्दियां दा आनंद माणदे रहे है ते होर भी उन्हां कौम दे विच बखेड़े पैदा कीते होए है। इस करके साडी कौम किसे वीर आगू नूं लभ रही सी, बड़े चिरां तों भाल रही है कि साडी कौम नूं कोई आगू नौजवान आगू मिले। पहला वारस पंजाब दे दीप सिंह जी सिद्धू, जिन्हां ने उत्थे दिल्ली दे विच संभू वड दे उत्तों संगतां दिल्ली दे विच मोर्चे च पजाईआं सी, लाल किले ते संगतां नूं, संगतां दा जज्बा जिहड़ा सी उह ठल्लिआ नहीं सी जा रिहा। लाल किले ते निशान साहिब चढ़ाए सन, उसे जथेबंदे दे वारस अज साडी कौम दे हीरे अमृतपाल सिंह जी साडे विच पहुँच रहे हैं। आओ उन्हां दा असीं साथ दईए, उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़िए, कौम दे भविख नूं असीं जिहड़ा उज्जल करिए। साडी कौम नूं जिहड़ी बड़े चिरां तों आगू लभ रही है कि सानूं कौम दा आगू चाहिदा है, ओह साडे विच अज शामिल हो रहा है। आओ उहदा असीं साथ दईए ते उहदे जिन्ने भी उहदे निशाना है जो सिख कौम नूं प्रोग्राम देणगे उहदे उत्ते चलीए ते अपनी मंजिल वल अगे वधीए। ते ओह फुल जहान ते सदा रहिंदे जिहड़े कंडियां नाल गुजारदे ने, उहनां उत्तों सरवार ना करे दुनिया। जिहड़े कौम तों जिंदगी वारदे ने उहनां ने प्रण कीता होया कि असीं कौम दे संघर्ष नूं जिहड़ा उह अगे लै के जाणा, भावें सानूं अपनी जिंदगी वी निशावर क्यों ना करनी पवे। इस करके गुरमुखो आओ असीं सारे उहनां दा साथ दईए। ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਕੰਡੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
परम सत्कार योग गुरु खालसा गुरु सतसंग जी धन गुरु नानक साहब जी के पावन स्थान से जुड़ बैठी सारी गुरु संगत माइया भाइयों नूं प्यार सत्कार साहित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस स्थान पर अज एक चंगी सोच नूं लैके गुरु के प्यारे सारे ते भैणा वीर इकट्ठे हो रहे हो। यह सोच जो गुरु नानक साहब जी तो चल रही सी जिसका सबूत भाई गुरदास जी देंदे ने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। निर्मल तो भाव है पवित्र उज्जल सच्चा सुचा। यह सिक्की पंथ जिहड़ा गुरु नानक साहब जी ने चलाया और दसवें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने उस गुरु नानक साहब जी के सिक्खी पंथ नूं फिर खालसा पंथ का रूप दिता। खालसा पंथ धन गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरु नानक साहब जी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के पूर्वियों से चलता आया। यह हिंदुस्तान 700-800 वरा मुगलों के पठाणा के अधीन रहा। गुरु नानक साहब जी ने इन्हां जालमां तो सुतंत्र करन वास्ते भले पुरशां नूं प्रफुल्लित करन वास्ते ये संघर्ष धन गुरु कलगीधर पातशाह जी तक चलिया। उस तो बाद जो गुरु के सिख होए जस्सा सिंह रामगढ़िया जस्सा सिंह आलूवालिया सरदार गुरदयाल सिंह डल्लेवालिया आदिक धन बाबा दीप सिंह साहब जी बेअंत सिंह ने वो दसम पातशाह के सिधांत से चले कि जो दसम पातशाह ने बचन किए पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कन्हेरा। मेरे मन में चाओ है मेरा परिवार भावें सारा उजड़ जाए लेकिन ये गुरु नानक साहब वाला सिखी पंथ जिहड़ा है ये दुनिया के अंदर प्रफुल्लित होवे। सात संग जी जिहड़े राज भाग होंदे ने वो नहीं चाहते कि इस देश के विच ये स्वतंत्रता जिहड़ी है ये हमेशा सुरक्षित रहे क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने तोड़िया और दसम पातशाह तो अगे सिंघां ने इस नूं चुकी रखिया। हुण आईए आपां मौके ते इस संघर्ष को इसे दसम पातशाह की सोच को अगे हुए संत जरनैल सिंह होरां ने प्रफुल्लित किया। जदों संत जरनैल सिंह होरां ने यह संत धन गुरु कलगीधर पातशाह वाली सोच पर पहरा दिता तो गौरमेंटा जिहड़ियां सी वह फिर सरगर्म होईयां कि इन्हां दा नूं अपना सिर ना चुकन दई है। उन्हां महापुरशां ने संघर्ष किया और उन्हां दी सोच से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी मुताबक लाडी वीर जी शुरू तो बोल के गए आ जिहड़ी उन्हां ने गल खालिस्तान दी कीती है। सिर्फ गल इन्नी है चाहुंदे सारे ही ने जे कहीए तेरा साला आया तो जरा औखा जा लगता है जे कह दिए भी घरवाली का भरा आया गल उ होंगी है। सात संग जी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में लिखा है बाबा फरीद जी के बचन ने बार पराया बैसना साई मुझा ना दे जे तू ए वै रख सी तो जियो शरीर रहो ले हे अकाल पुरख वाहेगुरु खुदा मैनू अपना घर दे अपने घर तो बिना सुख नहीं होंदा। अपना घर भावें कखां दी कुली होवे उह सुखदायक है जो सुख छजू दे चबारे ना बलख ना बुखारे ते बड़े वधिया पत्थर लगे हो कितना भी सुंदर होवे
पर किराए का घर घर सुखदायक नहीं हुंदा। किराए के घर सुखदायक नहीं हुंदे, घर अपना ही सुखदायक हुंदा। तो गुरु के प्यारियो, ये जिहड़ा सिखां दा घर, इहदी आवाज गुरु नानक साहिब जी ने उठाई और दसम पातशाह तक अपने घर वास्ते संघर्ष किया। ते लास्ट विच बंदा सिंह बहादुर नूं भेज करके ते असी मुजारे जमीना वाया करदे सी पठाना ते मुगलां दीआं, ते बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब दे विच जितने भी मुजारे खेती करन वाले सी उन्हां दे नां ते सारियां जमीना तहसीलदार नूं बुला के रजिस्टरियां कीतियां और बंदा सिंह बहादुर दा राज इत्थे कायम होया। महाराजा रणजीत सिंह ने राज कीता। कई कहिंदे सिख लड़ना जानदे ने, राज करना नहीं जानदे। जिहो जिहा राज महाराजा रणजीत सिंह ने कीता, दुनिया दे विच कोई राजा नहीं कर सकिया। उस तों बाद फिर यह संघर्ष अगे वधदा गया, आ गया महापुरख संत जरनैल सिंह ते। गुरु के प्यारियो, संत जरनैल सिंह एक बड़ी निम्रता ते बंदगी वाले पुरश सी। मैं उन्हां दीआं तीन गल्लां दसांगा, एक उन्हां दी बंदगी, एक उन्हां च निम्रता और एक उन्हां दे विच ताकत। बंदगी तो कितनी ताकत आई, ये मैं तां दसण लगा, सुनिया सुनाईयां गल्लां नहीं, क्योंकि संत जरनैल सिंह मेरे क्लास फैलो ने, असी 6 साल कट्ठे रहे हैं। संत करतार सिंह जी दमदमी टकसाल वाले जो 14वें जथेदार ने, अपने 12वें जथेदार संत बाबा करतार सिंह जी दमदमी टकसाल दे, उन्हां दे नाल कोलों असी 6 साल लगातार विद्या लई है। संत जरनैल सिंह मेरे नाल 2 साल वड्डे सी, असी इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो इस करके मैं जो अखी देखिया वो बेनती कर लगा, उन्हां दी बंदगी किन्नी सी। गंगानगर सन 1972 च गंगानगर सरदार जवाहर सिंह का फार्म है बहुत तगड़ा, वो हर साल 1 महीना अपने फार्म विच सारा जथा बुला के वो प्रचार करवाया करते सी। राजस्थान दे विच तकरीबन 100-125 सिंह नाल हुंदा सी संत करतार सिंह होरां दे। उत्थे एक दिन संत करतार सिंह जी बीमार हो गए, सरदार जवाहर सिंह का लड़का जो आप डॉक्टर सी, वह संतां नूं उन्हां दे आसन तो अपनी कोठी विच लै आया। बैक साइड ते काफ़ी खुला थां सी, महापुरख कहिंदे मैं परिवार विच नहीं रहना, यह बैक साइड ते खुली थां ते गर्मियां दे दिन सी, ते मैं हथ वाला पखा चलदा सी पिया, क्योंकि संत करतार सिंह होरां ने सारी जिंदगी आ पखे नहीं लए, हथ वाला पखा ही चलदा सी वड्डा। मैं पखा चल रहा, गर्मियां दे दिन सी, संत जरनैल सिंह उस मौके विद्यार्थी सी, लोडे कवेरे का टाइम वो आए ते संत करतार सिंह दे चरण फड़ के रोन लग गए। मैनू संत करतार सिंह कहन लगे, कौन है? मैं कहा जी जरनैल सिंह आया है। कहंदे इहनू रोको, मैनू अगे बुखार है, ये मेरे पैर ना घुटे। जदों मैं बेनती की जरनैल सिंह नू, मैं आख्या भी महापुरखां नू बुखार बड़ा तेज है ते तुसी ना रोवो, वो भुब मार के रो पए। संत करतार सिंह अपने मूँह ते चिट्टा चादरा लिया सी, वो चादरा ला के कहन लगे जरनैल सिंह इधर आ सराहने वाल। भाई अमृतपाल सिंह जी जिन्हां नूं यह मुख तौर पर सेवा दी गई है, वह पहुँच गए ने, उन्हां दे आउण विच एक खुशी दे जकारा बुला दईए। बोले सोनिहा संगत ने उठना नहीं, सारी संगत बैठी रहे, भाई साहब ने इत्थे स्टेज ते आ जाना। एक बार एकाग्रता बनाओ, मैं बड़िया कीमती गल्लां तुहाडे नाल करनियां, ते जदों तुसीं समझोगे मैनूं इशारा कर दिओ, मैं उत्थे हट जूंगा।
बेनती है एकाग्रता बनाओ, क्योंकि जेडे नौजवान नवी पनीरी है उन्होंने संत जरनैल सिंह दी सुनिया सुनाईया गल कर मैं नाल रहा, मैं जो अखी देखिया वो कर रहा सुनी गल कोई नहीं सुनाई। तो एकाग्रता बनाते एक बार प्यार ना कहो गज के सतना संत करतार सिंह जी बीमार ने, मुंह ते चादर लई हुई है। जरनैल सिंह जी ने आन के चरण फड़े रोन लग गए। मैनू संत कहिंदे मैनू हटा, मैं जब उन्होंने हटाउन लगा भुख मार के रो पे। संतां ने अपने मुख तो चादर लाई तो कहन लगे जरनैल सिंह इधर आ सराणे वाल आए। कहन लगे रोई दा नहीं दस की गल है, लेकिन वह भब्बां मार के रोए। संतां ने चुप कराया, हौसला दिता, आखन लगे गल दसी दी है की है। कहन लगे जिहड़ा आनंद आ रहा सी वह खत्म हो गया। बेनती सुनो, उदों अपने घर विच वो सिमरन बंदगी कर रहे थे। मैं वो कमरा देखिया, जिनी क साडी रसोई हुंदी है इहदे नालों भी छोटा कमरा सी, जिहदे विच उन्होंने 40-40 दिन तीन वार एक सहज पाठ का भोग, 101 पाठ सब्जी साहब का रोज करना, बाकी पांच बाणियां सारी पांच ग्रंथी जबानी ग्रंथ से नितने वखरा। तो सात संघ जी संत कह लगे तू लोगों अरदासा कर लग गया होगा, वर श्राप देन लग गया होगा, इस करके आनंद चले गया। दस की गल हुई है? कहन लगे मैं ते मेरा भरा वड्डा असी दोनों जने मक्की गोड रहे से, ते मैं अपने भरा नूं कहा भाई मैनू बुलाउणा नहीं, जिहड़ी गल करनी हुण कर लै, ते शाम नूं मेरा काम देख ली तेरे नालों घट तां नहीं। बुलाने फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जड़े पंथ नाल फिरदे हो दिल विचों दर्दी ने दर्दी उन्हां दियां सुरतियां इधर लगियां होईयां कि कोई दिलों पंथ दर्दी अगवाई वास्ते किते सानूं मिल जावे, साड़ियां सरदारियां कायम रह सकन। महापुरखां दे वेले दे एक दो बचन मैं बेनती कर दिना तो समाप्ति कर दईए। केवल सिंघां दा हुक्म ही मनन वास्ते बेनती लगिया करन। महापुरख बचन करिया करदे संत जरनैल सिंह जी नौजवानों नूं, जिवें हुण नौजवान ज़्यादा इकट्ठे होए आ, दास दी सुरती उत्थे चली गई। ना तां बुढ़े कुछ कर सकदे आ ना बच्चे कर सकदे। इस एज वालियां नूं सतगुरां ने इन्ना बल बख्शिया जिन्हां ने समां जिहड़ा लंघिया देखिया हंडाया उन्हां नूं ज़्यादा पता। जदों मोड़ आया सी ना इस तरह ही आया सी, कालजां दे 25-30 जाने जाने महापुरखां कोले उत्ते समुंदरी हाल दे उपर, ते महापुरखां ने बड़े प्यार दे लहजे विच उन्हां नूं मिठा मिठा एवें कह लिए पंजाबी बोली भी प्रसाद देना प्रसाद मिठा मिठा। प्रचार करन दा ढंग एडा नियाला ते सादा सिद्धा, अनपढ़ नूं भी समझ पै जावे, पर उह ते पढ़े लिखे सी उहनां नूं ते पैणी पैणी सी। एक वारी सज विआह जोड़ा चले गया नाल 20-25 उहदे साथी कालज दे जवान,
महापुरखा गज के जो उन्हें फतेह बुलाई, महापुरखा भी फतेह बुलाई तो कहिंदा जी महापुरखों को बचन सुनाओ। महापुरखों के भाई असी तो पंथ का हुक्म आ, इत्थे रहिंदे आ इन्ने दायरे च, तुसी बाहरों आउंदे हो तुसी कोई बचन सुनाओ, बाहर किस तरह चल रहा है, किदां तुहाडा ख्याल आ। वो तो पुछना चाहते सी भी किसी तरीके नाल पता लगे भी किहड़े पक्ष तो सुनना चाहते है। एक खड़ गया जवान, कहिंदा जी बचन की करने आ, सिक्खी खत्म हुंदी जा रही है। ये दास दे सामने दे बचन, कहिंदा सिक्खी खत्म हुंदी जा रही है। महापुरख कहिंदे आ वो अपने आप खत्म वो चीज़ होंदी आ जड़ी पागल हो जाए, पागल आत्महत्या कर दे ना कई अपने आप नूं आपे ही, कीर्तन सोला पढ़ जांदे आ अपना आपे ही। कहिंदे सिक्खी पागल खत्म हुंदी जा रही नहीं, वो कीती जा रही है। सिक्खी पागल नहीं, कहिंदे तुसी मैं ते जीरो हाँ, जीरो पढ़ाई च स्कूल दी च इस तरह करके आंदे इहनू की कहिंदे आ जीरो आंडा, इदां शब्द वरत्या महापुरख हस हस के वधिया ढंग दे नाल उहनां नूं समझा रहे आ। सानूं सारयां नूं समझ पै गई होणी आ, कईआं ते उत्थे होणे आ ते नहीं ते उस तरह वी। कहिंदे भी मैं पढ़ाई विच जीरो हाँ, तुसी ते घट तो घट मैट्रिक वाले ते होणे ही आ, एमए बीए बैठे होणे आ उस वेले का बचन। पर तुहानू अजे तक जिन्नी मर्जी पढ़ाई तुसी कर ली दुनियावी, तुहानू अजे तक गल नहीं करनी आई, गल करी दी किवें। बेचारे हैरान जे हो गए, जिहड़ा खड़ा सी उह बैठण लगा, कहिंदा खड़ा रहो हुण, फिर की पता समा मिले कि ना मिले, दो चार मिनट तुहाडे नाल हुण विचार सांझे कर ही लईए। असीं इहो जानना चाहुंदे सी महापुरखां क्या कि किस पक्ष तों चाहुंदे आ कोई बचन सुनना। कहिंदे आ भी पच्ची तुसी जाने आए हो, पांच सत्त जाणियां दे दाड़े साबत ने, साबत सूरत ने, ते बाकी सारयां दे है नहीं। इन्हां दे दाड़े होर हुंदे इस तरह दे, सारी सिक्खी ना हुंदी जिन्ने तुसी आए जे। दसो तुहाडे घरे आण के कोई ढा के जबरदस्ती तुहाडी सिक्खी खत्म करन आया सी। वह बेचारे हैरान जे हो गए, निम्मू झूणे हो गए, लाजवाब हो गए। फिर महापुरख हसा भी दिंदे सी, ढंग एडा निराला सी कि महसूस भी ना करन। कहिंदे ओ मैं दसवें पातशाह जी नूं अपना प्यो मानदा, प्यो तुसी मानदे प्यो हुण किदां, कहिंदे भी नहीं मानदे, कहना ही पैना सी। कहिंदे हाँ जी असीं प्यो मानदे हाँ। ओ उच्ची बोलो, सारे बोलो, बड़ी आवाज आई। कहिंदा जी मानते हैं जी असीं प्यो। कहिंदे फिर मेरा चेहरा मूहरा रलदा, तुहाडा रलदा नहीं, तो जिहदा नाम रलदा होवे प्यो वर्गा मांदरा नवा ना पैंदी उहनूं की आंदे हुंदे आ। हुण फिर फस गए बेचारे, थोड़े जे खुश होए सी फिर उस तरह ही आखो सारे सतनाम श्री वाहेगुरू। ये महापुरखों के मोलक बचन है, इस ढंग नाल प्रचार किया। कहिंदे फिर हुण मैं चेले बनावां तो ना बणियो, भरा बनावां तो बणोगे, बणांगे जी, करो बाहां खड़ियां। एक एक कीती, कहिंदे एक एक ना नहीं सरना, दोवें दोवें करो, दोवें दोवें बाहां खड़ियां कराइयां। एक सिंह ने ड्यूटी ला देनी, चल भई अकाल तख्त साहब चोले नहीं सी पंज प्यारां नूं लाउण दिंदे हुंदे, भई तैयारी रखो, खंडा बाटा खड़कदा रहना चाहीदा, असीं भेजी जांदे आ अमर संचार करी जाओ। तीन तीन अमर संचार, चार चार अमर संचार एक एक दिन च। एक सिंह नाल भेजता, चलो भई झट ही अमर छक के गुरु वाले बन गए। महापुरख कहिंदे आ भाई अपने घर आ जाओ, घर घर आ जाओगे ना, घरों बाहर तुरे फिरदे जे, घर इहनूं ही कहिंदे आ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उपकार असीं याद कर लईए, गुरु दे चरनी लग जाइए, ते फिर असीं अपने घर वाले हैं। ते जिहड़ा घर बड़ा समा ही ना आवे ते उहनूं घर दे दुनिया तौर ते भी नहीं जे पुछदे, आंदे ते कई चेर हो गए, कई ओही बथकल कर दिंदे आ।
तो फिर भी आखिया जे गुरु गोबिंद सिंह जी साडा गुरु आ, थोड़ा जा सोच लीए आप, गुरु कृपा करे मैं ना ज़्यादा लमेरा जाव। एक दो बचन चितकाराया सी हुकम जाने वास्ते, सो अमर छको गुरु वाले बनो। जदों मोड़ आया सी इन्हां बचना दे आधार ते ही आया सी, ते जिन्हां ने हंडाया उन्हां नूं पता ज़्यादा किद्दां बीती, फिर गौरमेंटां दे नाल ते किद्दां झुकियां, उहो जिहा समां सच्चे पातशाह लियाउण मेरी अरदास है। चाहुंदे आं कि साडे वीर अमृतपाल सिंह जी नूं सच्चे पातशाह इस तरह का कितने बल बख्शन जिहदे नाल तब्दीली आवे, कितने असीं वी जींदिआं जींदिआं देख लईए। पुल्लां चुक्कां दी खिमा, गज के बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा। गुरु नानक पातशाह महाराज की चरण छोह प्राप्त धरती से सिख संगत नतमस्तक हो रही, सब तो पहला जो दसवें पातशाह महाराज की बुलाई हुई फतेह बुलंद करके गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह का जवाब बड़ा ढिला जि आया है, जुझारू कौम का हीरा साढ़े स्टेज पर विराजमान होए भाई अमृतपाल सिंह, तो सिखा वालों फतेह ढिली आवे। एक विद्वान कहता फतेह फतेह हर कोई लोचता है, फतेह मिलती जो गज के बुलांदा है, फतेह उसनू नहीं नसीब होंगी, फतेह बोलन तो जो शर्मांदा है, सारे गज के फतेह बुलाओ संगते, फतेह आप ही रस्ता है दस जाती, पर जेड़ा गज के फतेह बुलांदा नहीं फतेह उस तो पासा है वट जाती, रस्ते करो पवित्र। गज क्या आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह गुरु दसवें पातशाह महाराज ने सिख कौम ने दिती है, क्योंकि फतेह वास्ते एक नहीं दो नहीं परिवार के सताए जी पातशाह ने वार दिते ने, ते अज का जो मकसद आप सिख संगत बैठे जाणो कि इस मकसद वास्ते लंबे समय तो भाई साहब जी दो मिनट गए ने, हुणे ना दो मिनट दे विच आ जाणा वा, इतने बैठे रहो, कदे किसी उठन की कृपालता ने करनी। स्टेट सैकटरी वालों हुक्म लग गया कि दो मिनट वास्ते भाई साहब इतने फिर पहुंच रहे दोबारा। अज का जो इकट्ठ है ये कौम कुर्बानियां भरी है, कदे वेखे नहीं एदा इतिहास बन गए कि असी राजिया के बहुते पूर जमे, आने वाली नसलों ने पूछना है कि कौम ने बहुते मनसूर जमे, कि कौम ने बहुते मनसूर जमे। दो मिनट के एक मैं सवारती कर दी है, गल की है संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी भिंडरा वाले की, उन्होंने सोच से चलीए। अज जे उन्होंने सोच से असी चले होंगे तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ना होंगी, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी ना होंगी। अज दस दस साल राज किया इन्होंने, तो किसी ने यह आवाज नहीं उठाई। अज वेख लो सरकार सारिया परखियां गईं, यह दुखी हिरदे दे नाल कहना पै रहा, क्योंकि यह सानू पता लगा जो वार हुंदा सिख धर्म दे हुंदा, जो वार होगा सिख धर्म के गुरु घर के उत्ते होगा, क्यों होगा? असी आप दफा रहे, असी सच का साथ दीए, जो सच दे खुलवांगे एक वारस पंजाब के जिहड़े कौम के हीरे ने अमृतपाल सिंह जी, इन्हों का साथ देना चाहिए, कि किसी को घबराने की लोड़ नहीं। इत्थे दुनिया के विच भी कुछ कहा जाना, सरदार सिमरजीत सिंह मान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर साढ़े पार्टी प्रधान ने, मेरे बहुत सत्कारयोग साडा जिला प्रधान सरदार गुरबचन सिंह पवार साहब बैठे, साढ़े सीनियर लीडर साहब ने, सरदार सिमरजीत सिंह मान ने एक शिकायत रह के गल की नहीं भी अज उधर तो अज उधर, ये करके जिहड़ा वारस पंजाब की गल आ, एक कौम के जुझारू बन के सानू तुरना पैना जे असीं बेदबियां रोकणियां ते हक जे हाथ जोड़िया नहीं जे मिलना, तो जे हक वास्ते शहादतों के जाम जिन्होंने पीते ने उन्होंने कुरबानी के बाबत एक विद्वान लिख गया, कहिंदा समा उसकी कदे नहीं कदर करता, जिहड़ा समय की कदर पछाणदा नहीं रब उसनू कदे ना करे उच्चा, जिहड़ा आप उधियाणा जाणदा नहीं वो पैरां हेठ लताड़े कख जावण, ते डंगर उसकी कदर पछाणदा नहीं
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਦਾਖਲ ਛਾਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂਹੇ ਜੋ ਤਾਂਦਾ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਦਿਲ ਕਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਰ ਧਿਆਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਚਦੀ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਚੜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ ਲਾਈਆਂ ਅਰਸ਼ ਅਡਾਰੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆਓ ਰਸਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਓ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁਵਾਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਣਕਿਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हो रही है, पर गुरु सवारे बहुत पहला शुरू हो गया सी। जदों ईसाइया ने ताडे गुरसिखां दे घरों ताडे गुटके सताने शुरू कर दिते, ताडे धार्मिक लिटरेचर यह कह के सताने शुरू करके कि ये जो लिखा गया शैतान वालों लिखा गया बेदबियां उदों तो शुरू हो गई। वो किवें होया? आरएसएस ने हर धर्म के विच अपनी ब्रांच बना ली, जिस सिखां दे विच राष्ट्रीय सिख संगत, ईसाइयां दे विच एक अपनी ब्रांच बना के उहदे डेरे खोले, जिन्हां दा असली क्रिश्चन मिशन दे नाल कोई मतलब नहीं। अज भी पेंटीकास्टल मिशन वालिआं वालों पुछ लो, जो अंकल नरूला उसका कोई क्रिश्चन मत नाल लैण देण नहीं, वो डेरे चल रहे ने आरएसएस की माया दे नाल, स्टेट के पैसे दे नाल, स्टेट की पुलिस की शह दे नाल। इस तरह साडे सिखां दे विच डेरावाद पैदा किया गया, उसनू प्रफुल्लित किया गया। इस तरह उन्होंने एक मुसलमानों के अपना आरएसएस विंग खोल लिया, सारे जथेबंदियों के एक एक विंग खोल के उन्हां कोलों गुरु दी बेदबियां कराईआं गईआं। तुहानूं पता होगा पिछे जे एक मास्टर सोधिया गया सीगा कि उसने बेदबियां कीतीआं। ये सारी डीप स्टेट पॉलिसी आ जिस दे नाल सानूं आपस दे विच लड़ाया जांदा, चाहे वह आपां रगरेटियां नाल लड़ीए, चाहे असीं आपो डेरेवादियां नाल लड़ीए। इस डीप स्टेट पॉलिसी नूं समझणा पऊगा। सब तो पहला इन्हां दा बाइकाट करना पएगा, जिथे असीं जथेबंदक होना उत्थे आके सानूं इन्हां सारिआं वल वी ख्याल रखना पएगा। ये साडे पिंडां दे विच साडीआं गलीआं दे विच किवें वर्क कर रहे ने। फिर इस तों बाद एक वड्डी जथेबंदी जो ताडी सिखां दी सिरमौर जथेबंदी होया करदी सी, श्रोमणी अकाली दल, उस ते बादलकिआं ने कब्जा करके उसनूं आरएसएस ने हाईजैक किया, जिसने ताडा बहुत नाश कर दिता पंजाब दे विच पंथ दा ते पंजाब दा। उन्होंने वड्डे पद्धर ते पिंडां दे विच खास करके क्या रखिआ करो, जिहड़े बादलां दे घड़म चौधरी ने वह हमेशा ही जिहड़ा सिख पंथ की गल करेगा, जिवें दीप सिद्धू ने कीती, सरदार सिमरजीत सिंह मान ने कीती, इधर घड़म चौधरी ने सब तो वधिया वध नीवा प्रचार करके उन्हां दी करैक्टर असैसीनेशन करते ने, कहने तो भाव उन्हां दी कदारकुशी करते ने, जिन्हां दे नाल आम लोगों के नफरत पैदा होंदी है। नफरत पैदा हो के तुसीं उन्हां तों दूर चले जाते हो, तुसीं धड़िआं दे विच वंडे जाते हो, जिस नाल पंथ का नाश हुंदा है। गुरु सवारे दुख की गल है, अज तक आपां अपने लीडर नूं पछाण नहीं सके कि साडा दुश्मन कौन है ते साडा सज्जन कौन है। सब तो जरूरी यह है सानूं पिंड पद्धर ते हेठले पद्धर तों पछाण करनी पएगी कि साडा लीडर कौन है, गुरु पंथ की सिख पंथ की कौन गल करदा है। सो मैं गुरदासपुर का सेवादार होण करके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों वास पंजाब की समुची जथेबंदी का स्वागत करता हाँ अते विश्वास दवाना कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सरदार सिमरजीत सिंह मान की अगवाई हेठ वास पंजाब की जथेबंदी के योधियां के नाल हमेशा चट्टान वांगू खड़ेगा ते भाई दीप सिद्धू की सोच नूं अगे लैके जावांगे। एक मैं वास पंजाब की जथेबंदी नूं बेनती करांगा कि सब तो जरूरी है जिहड़ियां साडियां सिख संस्थावां चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटियां, पंजाब के यूनिवर्सिटियां, पंजाब के कॉलेज, उन्हां दे विच वारस पंजाब की जथेबंदी का स्टूडेंट विंग बनाया जाए। सब तो पहला उत्थों पनीरी नूं सांभिया जाए। हुंदा की है जिन्ने भी गैंगस्टर पैदा होए इन्हां ने जदों बादल सरकार सीगी इन्हां सिख स्टूडेंट फेडरेशन का भोग पाउण लई कॉलेजां विचों सिख राजनीति खत्म करन वास्ते एक SIO जथेबंदी बनाई, स्टूडेंट ऑफ ऑर्गनाइजेशन, जिहदे विचों सिख शब्द कढ दित्ता गया, उहदे विचों गैंगस्टर पैदा होए। SIO ने नशा वेचिआ, सारा चिट्टा उन्हां दी देण आ कॉलेजां स्कूलां दे विच। साडी नौजवान पीढ़ी का बेड़ा गर्क उस जथेबंदी ने किया, इस करके
उस जथेबंदी की काट करने वास्ते सानू एक सिख राजनीति के अधीन सिख पंथ के उम्मीद गुरसिखा की जथेबंदी स्टूडेंट सिख स्टूडेंट वगैरह वर्गी एक स्टूडेंट विंग वास पंजाब का हर स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटी में सब तो पहला बनाना चाहिए क्योंकि वो साड़ी नर्सरी है उतो सुनारी पनीरी ने निकलना ते उस तो ही सेहत मिलनी है। इंडिया बेनती करता होया मैं फतेह अर्ज करदा सारे प्रबंधकों का मेरा गुगू वीर वडाले के वीर सारे का बहुत बहुत धन्यवादी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। जिस वीर ने भी कोई सवाल जवाब करने मेरे भी अगे स्टेज के अगे भी जगह हैगी है कुछ सिंह बैठ सकते हैं बाकी जिथे जिथे जगह मिलती है बह जाओ तो असं उस वीर तक मैक पहुंचता कर देंगे अपना सवाल कर सकता। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संघ जी गुरु घर च इकट्ठे होए हैं पहला गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाने गज के बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। लगभग सारिया गल्लां गुलामी दियां निशानियां मेरे तो पहला बुलारियां तुहानूं दस्सदियां चंगी तरह तो मैनू लगता भी अपने चो जिन्हें बंदे इत्थे पहुंचे आ नौजवान मुंडे कुड़ियां सब सारे नूं पता भी असीं गुलाम आ सारे नूं पता भी साडे नाल की हो रहा हुण मसला यह आ भी आप करना की है अगे। वैसे तो मेरा तरीकाकार यह सी भी आप इत्थे बैठदे तो नौजवानों के हाथ च माइक फड़ाउंदे दवांगे आप जिदा किसी के मन च कोई सवाल है क्योंकि मैं बोल के चल जा तुसी सुन के चल जाओ तो सवाल उदा खड़े रह जाने कोई चंगा तरीका नहीं। बुलारियां दा अपने हैगा ठीक है बोलना चाहिए है पर जिथे नौजवान इकट्ठे होण उन्होंने गलबात जरूरी है। दो तीन मसले जोड़े जरूरी ने अज समय साढ़े दरपेश आए आ एक तो जी किसी पत्रकार साहब नूं धमकी मिली है तो मैं भी कहना भी एक सानू नमाणी जे ज़्यादा बन के लोड़ तो निहत्थे जे बन के तो इदा नहीं कहना चाहिए भी देखो जी साड़ी किसी ने पग ला दिती है सानू कोई धमकी दे गया भी असीं कड़ा कड़ी चूड़ियां पाइया ने जे कोई धमकी देन आऊगा तो गाड़ियों जो तीन ताडे हाथ कोई शस्त्र नहीं ताडा मूँह सेरी सिखाला नहीं गा तो अगलों ने समझना भी पता नहीं किनू धमकी दे आए। सो ये मेरी बेनती है भी जो धमकी धमकी दिता वा कोई उन्होंने कहा भी कोई नहीं जो करना कर लो मरन का की पता भी इतों निकलो बाहर तक एक्सीडेंट हो के मर जाइए कोई हैगा जिंदगी दल एक। सो इतें साड़ी कौम की हालत यह बन गई है भी जो कोई पग ला के जाता है तो सानू कई बंदे फोन करी जाते भाजी साड़ी पग ला गया कोई हूँ मैं पग बन गया वहां की जाकर उ मैं इस काम में बैठा भी जिन्हों की पगं लस जाती उन्होंने पगं बनता फिर मैं जाके इस करके जे पग सिर पर बनी है तो घट्टो घट्ट की मर्यादा कायम रखो एक गुरु की दस्तार है धौन लगा के आ जाओ कोई गल नहीं किड़ा बिना को मेरे बिना मस्या लगन हट जानी इतने। सो इस करके नौजवानों तुम माइक फड़ा दो विषय सारे ही डिस्कस हो गए हूँ उन्होंने सवाल जवाब भी करेंगे जिन्हें सवाल करना को हथ खड़ा कर दो अपना तो उस तो बाद अगर चलते हैं क्योंकि समय का रुझेवा करके सानू दूजी जगह जाना पैना थोड़ा समा इत वध लग गया। मेरा भीर जिहड़ा भी सवाल करना चाहता खड़ के अपनी बाह खड़ी कर दे उदों तक असी मैक पहुँचते कर देंगे। मेरे भीर संघो ना असी आप दे परिवार च बैठे हाँ तो साडे वड्डे भरा ने बेझिझक हो के आपका तुसी सवाल कर सकते हो करो करो पुछो। सारे मेरे वीर भरावां नूं सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वीर जी ने एक सवाल करना चाहुंदा कि जदों कि आपां इतिहास पढ़ते हाँ ये इतिहास के चाहे आप गुरु साहबां वेले पढ़ लीए जां फिर सिख राज की गल कर लीए तो एक गल अक्सर ही आप सुनते हैं आम ही कि सिख कौम में उदा कोई ढाल आने वाला नहीं है जो भी ढाल लगती है अपने गदारा अपने लोगों जे सा गदारी करते हैं या जे लोग आ जो दोगले जो दोवें पख पखों के भुगते दे उन्हां करके जी सिख कौम में अज तक ढाल लगी है तो ये ही एक होर गल मैं ही जोड़ देना चाहता कि जी आपसी खाना जंगी है सिखा संपरदावान इन्हों नजिठण वास्ते क्योंकि जिहड़ा ते दुश्मन आ उन्होंने असं खिड़े मत्थे हो गए दुश्मन की पछाण करके असं विरोध कर सकते हैं उन्होंने असं लड़ सकते खिड़े मत्थे हो गए पर जे अपने साढ़े पेटते छुरा रख के जेडे बैठे ने उन्होंने नजिठण वास्ते सानू की करना चाहिए ज उन्होंने हल की आ। देखो जो सवाल किया भी अपनी कौम च गदार ज़्यादा ने यह गल सही नहीं दुनिया की हर कौम जो राजभाग करती है राज गवाचते ने अंदर ही बारी कमजोरियां जड़ियाँ सारिया जी होंगे कोई अपनी कौम को ज़्यादा लोड़ तो कोसण की लोड़ नहीं आप दुनिया में बहुत चंगे हैं गदार हर कौम चो ने गदारी की है बंदा कोई ढिडों तो नहीं जमदा भी मैं गदार बनना है
बंदे दी लालसा जाग जाती है, कोई पंजां वकारां च कोई एक वकार जां दो वकार प्रभावी हो जाते, बंदे नूं गदार बना लैंदे है। दूजी गल तुसीं कीती आपसी खाना जंगी की, खाना जंगी आपसी कदे खत्म नहीं हुंदी, इहदी बहुती परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जदों मिसलां दा दौर सी मिसलां दे अपने ते अजे फिर भी सिख सियाणे आ, एक दूजे की वढ टुक नहीं करते, वह शाम नूं 200-400 बंदा मार के सौंदे एक दूजे का। पर जदों महाराजा रणजीत सिंह तगड़ा हो गया, उन्हें राह ही नहीं छड्डिया, कोई कहिंदा जां मेरे नाल आ जाओ जां फिर मेरे को छत्रका लो एक करी। सो जिहड़ी खाना जंगी खत्म कदां हुंदी है, ये खाना जंगी खत्म उदण हुंदी है जिद्दण कोई एक धिर वड्डी हो जाती ते उह धिर दूजिआं नूं दस दिंदी वी इत्थे हुण आह कानून चलूगा। सो सानू जिहड़े बंदे काम करन वाले आ, बहुते बंदे आउंदे एकता जी एकता दा राग लप्पी जांदे वी सारे एकता कर लो, किद्दां एकता कीती जा सकदी, किसी का मूँह उधर नूं आ किसी का उधर नूं आ। हुण जे तुसीं मैनूं कहो भी फलाणे दी एकता कर लो, तो पंजाब दे विच मैनूं लगदा वी 2-4 लाख जथेबंदियां ने, ते सारियां को मैं चल जाऊँ तो मेरी सारी उम्र घट पै जाणी है, तो मैं उन्हां नाल एकता नहीं कर सकता, मैं तो अपने राह ते तुरना है, यह राह मेरा कोई बैल खाया तो है नहीं, यह राह सतगुर सच्चे पातशाह ने सानूं दस्सिया भी इस मार्ग ते तुरना है असीं, उस मार्ग ते मेरे को जिनी समर्थ है मैं तुरूंगा, जिदे को समर्थ है कि मेरे नाल तुरन दी मेरे नाल तुर ले, मेरे तो अगे लंघना अगे लंघ जे पिछे रहना पिछे रह जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं गा इन चीज़ों के नाल। पर आपां नूं इस चीज़ नूं एक्सपलॉयट नहीं करना चाहिए एकता शब्द नूं, जां खाना जंगी कोई एडी खाना जंगी नहीं वापरन रही। हाँ ये जरूर है कि जदों पावर की गल है ना, अंपायर अंडर द अंपायर एक थ्योरी है, एक हिंदुस्तान की स्टेट है, उसके थले साढ़े बंद ने एक छोटी छोटिया स्टेटा कायम कर लिया, हर जथेबंदी अपने आप च एक स्टेट है, जदों कोई बंदा इंडिविजुअल तौर पर उठता उन्होंने एक खतरा पैदा हो जाता भी ये आप तो जुत्तियां खानी सानू भी पाऊगा नाल, सो उन्होंने डर जुत्तियां का लगता, होर किसी गल तो विरोध नहीं करते, कंफर्ट जोन च बैठे। ठीक है, सत श्री अकाल जी। मेरा सवाल भी दीप सिद्धू भाई का कतली जां एक्सीडेंट हीगा की जी? दीप सिद्धू भाई का एक्सीडेंट जां कतली हीगा? देखो हुण मैं तुहानूं एक गल दसदा, मैं इस राह ते तुरिया, मेरा उत्थे जाके एक्सीडेंट हो जाए तुसीं की मन्नोगे उहनूं? ठीक है, हाँ जी समझांगे। सो इस करके करोड़ों लोग ने, 100-150 करोड़ बंदा है, उस बंदे का एक्सीडेंट होना जिहड़ा संघर्ष दे राह ते तुरदा है। हिंदुस्तान दे इक चेता कर लो, एक्सीडेंट एक पॉलिसी है, 96 तो बाद आई है भाई खालड़ा के मुकाबले तो बाद, हुकूमत नूं ऐ लगता भी जे असी किसी नूं गोली मारते हैं तो वह बिंब बन जाता है, लोगों लिए आदर्श बन जाता है। उन्होंने फिर नवा तरीका अख्तियार किया कि बंदे नूं बदनाम कर दो, जे बदनामी तो बच जाता है कितने तो फिर बंदे नूं ऐसे तरीके नाल मारो भी लोग आपस उल जाण। एक गल चेता रख लो, जिहड़ा बंदा हिंदुस्तान की स्टेट खिलाफ लड़ रहा वो बखारना भी मर जाता तो उन्होंने हिंदुस्तान दोषी, वह हिंदुस्तान ही है। जे फर्ज करो हिंदुस्तान सानू गुलाम ना बनाता तो सानू की लोड़ ही संघर्ष के राह पैण की, फिर की लोड़ सी सानू अपने आइडल खड़े करन दी, ते वो ना खड़े होंदे ना मरे जाते ना असीं उन्होंने शहीद कहिंदे। सो दोष किहदा है? उस दा जिन्हें सानू गुलाम किया। पिंजरे च एक भी मौत साडी हुंदी, सारे पिंजरे च तुसीं तुरे फिरदे जो बेशक तुहानू लगदा भी तुहानू कोई रोकदा नहीं राह च, इस पिंजरे च एक भी मौत जिहड़ी हुंदी है उहदा दोषी हिंदुस्तान दा जिहड़ा तंत्र है इंडियन स्टेट है, उहदा किसे होर दा दोष नहीं। ते जिहड़े बंदे संघर्ष दे राह ते तुरे आ वो भुल जाओ कदे बुखारां नाल नहीं मरदे होंदे, उन्होंने मार दी हिंदुस्तान की हुकूमत, किसी तरीके ना मरे। ज्यादा पड़ताल नहीं हो चीज की, थोड़ी मैं तुम्हें बेनती करता जरूर की जाए पड़ताल कादी एक्सीडेंट किवें किदां उहदे बारे थोड़ा जा। नहीं देखो ये एक्सीडेंट किवें किदां होया हुण मैं तो प्रतख नहीं वेख्या, मैं तुहानूं कह देवां, पर तरीका की है, गड्डी नूं ना फेट मार दित्ती है, बंदा बच गया, एंबूलेंस किन्हां दी है, हस्पताल किन्हां दा, दोषियों दा, समझ गए ना गल नूं? ठीक है, खालसा जी बड़ा वधिया उपराला वा। मेरा सिर्फ एक सवाल आ कि आने वाले समय के अंदर जो सिख यूथ आ जिन्हां ने नौजवानों ने सिख कौम नूं एक दिशा वल लैके जाना, उन्हां दे लई की तुहाडी नज़र च कल्ला संघर्ष ही एक राह रह गया कि या एजुकेशन भी एक राह हैगा? देखो एजुकेशन जिहड़ी केड़ी
एजुकेशन अपने आप चंगा माड़ा लफ्ज नहीं है, मतलब जानकार एजुकेशन का अर्थ है एजुकेट होना, जानकार हो जाना। हुण तुसीं किसी गलत चीज़ तो जानकार हो जाओ तो वह तो नुकसान करूगी साडा। सो संघर्षे कौमां लई जरूरी है कि ज्ञान किहड़ा हासिल करना किहड़ा नहीं करना। जिवें इत्थे भोजन पिया होवे है ना, तो तुसीं खांदे नहीं भी कोई बीमारी ना लग जाए सानूं, तो किताब तुसीं जिहड़ी मर्जी पढ़ नहीं दे जाओ भी कोई चक्कर नहीं, भी ये दिमाग भोजन ना पेट खराब हो जू दोवां दिनां ठीक हो जू, तो गलत किताब पढ़ी ना जे दिमाग खराब हो गया वो सारी उम्र ठीक नहीं होना। सो इस करके एजुकेशन जिहड़ी है ना, एजुकेशन राह हैगा, पर लड़ाई जिहड़ी कौम होण दी आजादी की लड़ाई लड़ती कौम है उहदे वास्ते सब तो जरूरी है भी मिनीमम एजुकेशन जिहड़ी साढ़े वास्ते जरूरी है भी जिहड़ी सानू आजादी के राह दे तुरे। जे पढ़ लिख के कोई बंदा तो सिखां नूं गालां कढ़ी जाए भी नहीं जी तुहानूं लोड़ नहीं आजादी, तुसीं मतलब ठंडे दुद्ध फूकां दिंदे जो, इहदा अर्थ इह आ भी उहने गलत पढ़ाई पढ़ ली। वैसे जिहड़ी हायर एजुकेशन है उहदी इक ना तस्वीर इदां दी है भी साढ़े ते बहुते जुल्म करन वाले पढ़े लिखे लोग सन। जे एजुकेशन बंदे नूं सियाणा बणाउंदी होवे, ऑल ओवर ज्ञानी जिहनूं आपां कहिंदे आ, तो फिर मेरे ख्याल दे नाल केपीएस गिल जुल्म ना करता साढ़े ते। फिर आ जिहड़े डाक्टर आ बहुत पढ़े लिखे आ, लोगों की लुट ना करते। सो जिहड़ा एजुकेशन दे उत्ते कुंडा चाहीदा वह है नहीं का, धर्म का जिहड़ा कुंडा है ज्ञान की होमे ना आवे, यह सारा कुछ साढ़े को है नहीं। इस मौके ते जो हुण साडे घर दे बाहर फौज खड़ी होवे, साडे घर दे बाहर कोई फौज खड़ के सानूं मंगारे ते कोई सवाल यह करे भी तुसीं हुण की करना है, ये मैनूं दसण दी लोड़ थोड़ी, इह ते तुहानूं सारिआं नूं पता है, असल च अंदरों अंदर ही तुहानूं पता है भी की होना चाहिए। तुसीं डरदे जो, सारे बंदिआं दे मन च भय है भी पता नहीं की आखर आ जाणी है, अखीर सारिआं तों वड्डा डर किहदा मौत दा। ते महाराज की कहिंदे ने, पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जिन्हें पहले ही तुहानूं कहा भी मरना कबूल करो उन्हें राह ते तुरना, तो फिर ये जिन्ने मर्जी तुसीं सवाल गांह ती गांह करी जाओ, लोड़ किहदी है। हर कौम का बच्चा बच्चा जिदने कहण लग पिया भी असीं इस गुलामी के पिंजरे नूं तोड़ना है, उदों तुहानूं किसी चीज़ की लोड़ नहीं पैनी, आपे आजादी मिल जाणी। खालसा जी, जो 1920 तो लैके हुण तक वापरिया, कि तुहाडा इस दे विच ये विचार है कि सिख कौम ने गुरु घर की सेवा संभाल दे लई ज़्यादा उपराले किए ते राज मंगण लई घट? किहदे लई घट? राज मंगण दे लई, क्योंकि जो अंग्रेज़ां ने डिवर्ट किया सी, अंग्रेज़ ने ट्रांसफर लई सी, सिख कौम नूं इस चीज़ तो वांझा रखिया रहा कि उन्होंने किस चीज़ की ट्रांसफर लई है, एक राज की लई सी? नहीं देखो, जिहड़ा गुरद्वारा है वो राज का प्रतीक है, इत्थे जिहड़ा झूल का निशान है कदा प्रतीक है, हिंदुस्तान की हुकूमत का वस नहीं चलता नहीं तो यह भी लुभावे तुहाडे कोल। सो गुरु घर के प्रबंध असी ठीक नहीं किए प्रॉपर, असी गुरु घर बहुत थावां ते सिर्फ एक भी साडा कम्यूनिटी सेंटर जिहा बना के रखता, यह नहीं है। गुरु घर साडा घर भी है, अस्थान भी है, किला भी है। जिहड़े बहुत बंदे सवाल करते ना, मैं गुरु घर चों कदे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, गुरु की बेदबी हो जाती, गुरु की बेदबी उदण है भी गुरु घर से फौज चढ़ के तुम छड़ के दौड़ जाओ, ईटां इमारतों नुकसान हो गया कुछ नहीं होना। अकाल तख्त की महिमा कितनी बार अबदाली ने ढाया दरबार साहब, उसकी महिमा नहीं खत्म हुई। जे अबदाली ढाउण आवे तो सिख अकालियों भजन तो फिर नहीं बजता कुछ। सो इस करके असी 1920 तो लैके जिहड़ा प्रबंध कायम किया उहदे सब तो वड्डी खामी यह आ, वह कमेटी सिस्टम से हैगा, अंग्रेजों की देन है। जो प्रबंध साडा रवायती चलता रहा सी उहनूं दुबारा होंद च लिआउणा चाहीदा, उहदे नाल साडा ज़्यादा पंथ का फायदा हो जूगा। साढ़े बच्चों की जिहड़ी सिख्या है धार्मिक वह गुरुद्वारों है नहीं गई, हुण वह होनी चाहिए है। ये प्रबंध आपो सिखां नूं करने चाहिए, कमेटी के मोल ना वेखो उन्होंने जिथे लगी आ उन्हें लगी रहने, तो उन्होंने कुछ करना। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਕ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਬਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਉਮਰ ਮੁਖਤਿਆਰ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
इटली की हुकूमत ने उमर मुख्तियार कहा कि तुम जो जाओ लै सकते साढ़े को राज भाग के मतलब रल के राज कर सकते मिलिट्री लै सकते जे पुलिस लै सकते जे जो जिहड़ा महकमा चाहिए तुम लो क्योंकि उन्होंने मेज से गलबात हो उस टाइम के उत्ते उमर मुख्तियार का जवाब से कि इको ही चाहिए मैनू बस इको महकमा चाहिए होर कुछ नहीं उन्हें कहा भी कि उन्हें कहा एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन जिहड़ा वा एड्डा वड्डा हथियार आ कि अगर अं अपने बच्चों को गांह तैयार कर लीए अज एजुकेशन कि पढ़ के रहे हैं जोड़ा पूरा हाँ स्कूलों के पढ़ाया जा रहा वही सूँ गुलाम बना रहा वीर जी उन्हों का जवाब है मेरा मेज पर पहुँचने तो बाद भी उमर मुख्तियार ने इस करके एजुकेशन मंगी कि मैं अपनी अगली पीढ़ी ना गवा पाव इटली वाले ने यह गल ना मंजूर की केंद्र भी नहीं वो केंद्र कि तुम सारे मिलटरी लै लो अपने जोड़े थोड़े बंदे वो भी मिलटरी के भर्ती करो उन्हें उमर मुख्तियार एक एड्डा विजनरी लीडर ही उन्हें जंग करनी जी लाजमी समझी उन्हें रल के राज नहीं किया उन्हें लीबिया जो सैकंड वर्ल्ड वार हुई उतों पहले आजाद करवा लिया सो एजुकेशन का बहुत व्डा रोल आ एजुकेशन बगैर कुछ नहीं किया जाता जिन्ना चिर तक अं अपने बच्चों अपनी हिस्टरी तो जी हाडी हिस्टरी है उतों वाकफ नहीं करवावे उन्ना चिर तक गल बन नहीं सकती गुलामी गलों लथ नहीं सकती ठीक है देखो यदा जवाब मैं अगे दिता है एजुकेशन जी है वो अपने आप च कुछ नहीं है किताब के बारों नहीं पता लगता वो अंदर चंगा लिखा ज माड़ा लिखा किताब साढ़े दुश्मन भी लिखते हैं वध लिखते हैं साढ़े वालों घट लिखे जाए सवाल यह है कि कौम ना इस चक्कर जुलझ जाने भी असी किन्ने एजुकेटड हैं साढ़े को किन्ने रिसोर्सिस है वह लड़ाई की इंतजार च बैठ जाए भी शायद हो नहीं सकती मेन मसला इतने यह है भी थोड़े अंदर जो भावना पैदा होगी असी लड़ना है तो आजादी की खातर लड़ना उदों तुहाडे अनपढ़ बंदियां भी लड़ लेना है उदों एजुकेटड बंदियां भी लड़ लेना है उदों सारे लड़ लेना है तो जिहड़ी एजुकेशन की तुसीं गल कर रहे हो कई बार हिस्टोरिकल एग्जाम्पल रेलीवेंट नहीं होंदियां लिबिया का अज की हाल है आपां वेखना चाहिए जिहड़ी एजुकेशन मुसलमाना ने लई सी मॉडर्न एजुकेशन ईरान दे विच बहुत आ गई सी उहनूं खत्म करन लई एक बहुत वड्डा ईरानियन रेवोल्यूशन आया सो इस करके ये ना हो मतलब दूजी कौम लई कोई चीज़ चंगी और साडे लई चंगी नहीं हुंदी साडा जिहड़ा आजादी का संघर्ष है महाराज ने पहले तो डिफाइन किया उत्ते चलना चाहिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी खालसा मैं पिछे खड़ा सी तो मेरा नाल दा वीर भी कह रहा कि कोई सवाल पूछ तो मेरे अंदर ही अंदर सवाल तो बहुत आ रहे हैं तो फिर नाल नाल मैनूं जवाब मिल रहा क्योंकि हरेक सवाल का जिहड़ा जवाब है वह गुलामी है क्योंकि असी गुलाम हाँ तो जे असी अपने हुण असी निहंग सिंह जथेबंदी हाँ जिदा जी जे असी अकाल तख्त साहब की गल करिए कि अकाल तख्त साहब जो पिछे इतिहास से चल जाइए महाराज जीत सिंह के समय कि वह बुढ़ा दल कोल सीगा असी इस गल तो हैरान हाँ कि अज के समय च जिहड़ी साडियां बुढ़े दल के जथेबंदियां ही ने वो अकाल तख्त का प्रबंध क्यों नहीं लै रही हैं कि जे जिहड़ी मर्यादा हजूर साहब तख्त से चल रही है वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज समय की मर्यादा चल रही है जी वह मर्यादा हरेक तख्त से क्यों नहीं हो रही तो एक जवाब सवाल होर सी जिदा असी सिंघा को सुनिया कि जो साढ़े नाल 84 च होया कहिंदे कि वह हजूर साहब नहीं होया क्योंकि वह सारे शस्त्र के धारनी उसे पुरातन मर्यादा जो चल रही पंथ की वह अपने अकाल तख्त साहब से नहीं चल रही जिथे तक मैनूं लगता कि जे अकाल तख्त साहब से पुरातन मर्यादा बहाल की जाए उसों उत्थों पुरातन मर्यादा चलाई जाए तो इस नाल भी पंथ च बहुत वड्डा बदलाव आ सकता है ताडे बारे की विचार देखो मर्यादा के रौलियां च आपां पैणा नहीं मर्यादा साडी इक्को आजादी जिन्ना चिर आजादी नहीं आउंदी कोई मर्यादा ताडे लागू नहीं होणी बुढ़ा दल को हथियार है सारे को कर लेना कब्जा जाके कहने रोके नहीं नहीं मेरा गल नहीं एक मिनट मेरा सवाल काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं आप करनी सवाल का जवाब मैं दे देना हजूर साहब क्यों नहीं होया क्योंकि उन्होंने किया नहीं हथियार इतने भी सिंह को है गाड़ी में लड़ाई छे दिन एवं थोड़ी लड़ ली उन्होंने हथियार नहीं है कि आप योजना गलत अपने दिमाग च ना सर्जा करिए यह आप कह रहे हैं भी सिख इतने हथे बैठे से नहीं सिंघा कोल शस्त्र से हथियार से मॉडर्न हथियार भी है जिन्होंने उन्होंने हिंदुस्तान की नहीं तीन मुल्कों की फौज का मुकाबला किया हजूर साहब उन्होंने किया नहीं जे करन के सिखा मार उत्थे भी पैनी है कारण की है राज नहीं है जिन्ना चिर राज नहीं गा उन्ना चिर तुहानू छत्र पैने पैने तुसीं मर्यादा जिहड़ी मर्जी लागू करके बह जाओ मर्यादा की है मर्यादा तुहाडी कहिंदी है भी निहंग सिंह जिहड़ा है उहदे उहनू कोई सरहद नहीं हैगी दुनिया की नहीं ना हैगी ब्रह्मंडी राज का दावा है अपना पाकिस्तान का बॉर्डर टप सकते हैं आप नहीं टप सकते सो इस करके ये उदन टप्पा जाना जितने साड़ी स्टेट पावरफुल हुई तो असी मुल्कों को कहेंगे भी ये फौजों को रोकना नहीं कभी इन्हों जान दो ये काम करने लिए सानू एक पोलीटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करना पैना राजसी तंत्र
जिहड़ा साडा 1849 तो पहला हैगा सी, अकाली फूला सिंह आनंदपुर साहब गए, अंग्रेजों दी छौणियां लुट के गए, संधि दे उल्ट होया सारा कुछ। उन्होंने गाड़ी हाथ नहीं पाया, उन्होंने पता सी इहदे पिछे अकाली फौज है, एक नाल महाराज रणजीत सिंह की एड्डी फौज खड़ी है जिहड़ा इहदे हुक्म च वज्जा। सो इस करके राज की ताकत यह है, राज ना होवे कौमां कोलों ते कौमां आपां मर्यादा दे झगड़े अपने पता कदों आउंदे जदों राज नहीं हुंदा, जदों राज आ जांदा उदों कौमां इहदे निक्के मसलियां च पैंदियां ही नहीं। हुण तुसीं किसे नूं समझाउण तुर पओ मर्यादा दा मसला, हैं उहनां गाड़ियों पुलिस सद लैणी है ते सानूं मर्यादा समझाउण आए आ, पुलिस किहनां दी है? इंडियन स्टेट की। सो इस करके आपां गल की करनी है, चाहे बुढ़ा दल है चाहे तरना दल है चाहे कोई दल है, उन्होंने एको ही गल करनी पैनी है भी जिन्ना चिर आजादी नहीं जिन्ना चिर राज नहीं उन्ना चिर तुसी ना ते मर्यादा लागू कर सकते जो। तुसी आप मनो कि दलपंथ अपनी मर्यादा भी पूर्ण आप फॉलो नहीं कर पा रहा, च राज भाग की कमी है ना, सरकार इंटरफेरेंस कर दिया ने, सरकार जाके फौजा घल दें, चलो मुकाबला करा लड़के शहीद हो जाएंगे, यही है ना। पर जरूरी नहीं गा जो तुम राज की भावना गवाती अंदरों तंत्र नहीं खड़ा किया तो फिर की होगा अगे। ठीक, जिदा हुण एक सवाल हो रहा कि असी जो भी वोटां करवाउणियां ने यह जो भी होनी संविधान के अंदर ही होनी जो वोटा, जो असी पंजाब के मुख्यमंत्री की गल करते हैं, जो मान साहब गाँव वाले समय मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो जो भी संविधान वह तो भारत का ही इस पर लागू होना वा, उस बारे की विचार ने? देखो एक बने तो असं मानते हैं नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मसले हल नहीं होने। हाँ जी हाँ जी, एक गल मन के चलो, पर एक काम हो सकता है, संगरूर दे विच पंथक राजनीति नूं उभार मिलिया, पंथ दे लोक कट्ठे होए, लोगों ने अपने बखरेवें मिटा के माड़े मोटे तो एक झंडे थले कट्ठे होना मंजूर किया। हुण दुनिया भर में जदों असीं दसदे हां असीं गुलाम हाँ, आपां हुण कह दिंदे भी संगरूर दे विच इन्ने लख लोगों ने खालिस्तान नूं वोट पाई है, अज कनेडा च इन्ने लख लोगों ने खालिस्तान नूं वोट पाई है। जिहड़ा ये मैंडेट आ, जे पंजाब दे उत्ते साडी खालिस्तान की सरकार आउंदी आ, हालांकि मैं वोटां वोटां च नहीं जाना तो ना मैं पैंदा इन्हां कम्मां च, पर जे आउंदी आ उहदा इन्ना कु फायदा आ भी तुसीं इंटरनेशनल लैवल ते तुहाडे बहुत ब्यूरोक्रेट हो जाएंगे गल करन वाले, तुहाडे बहुत डिप्लोमैट्स हो जाएंगे जिहड़े इंटरनेशनल लैवल ते गल कर सकदे आ। संसार दा तंत्र इदां दा बन गया अनफॉर्चुनेटली भी उत्थे गल डेमोक्रेसी नूं आधार बना के कीती जांदी है। सो उत्थे ये जरूरी भी है, पर इस गल नूं पूर्ण सल्यूशन कहना भी मुख्यमंत्री की कुर्सी ही साडा हल है, ये कोई भी बंदा करो वो गलती कर रहा है। युद्ध लिए तैयार हैं? अपन नहीं तैयार। मैं तुम्हें एक गल दस दिना, हूँ सुन लियो, जदों साढ़े मूँह ते दाड़े ही नहीं है, साढ़े गात्रे शस्त्र नहीं, तो जिन्हें खंडे बाटे की पौल नहीं ली वह दावा करी जाता मैं युद्ध लिए तैयार, तैयार कितों जो तुम? जिहड़ी तैयारी महाराज ने कहा करनी पैनी है वह असीं कीती नहीं। युद्ध कदां लड़ना है? युद्ध लड़ना धर्म का युद्ध, जिहड़ा धर्म युद्ध लड़न लई धर्मी लड़ूगा ना धर्म युद्ध, धर्मी तो धर्म युद्ध नहीं लड़ सकता। सो इस करके युद्ध लई जिहड़ी तैयारी करनी पैंदी है सबर करके वह करन दी लोड़ है। युद्ध तुसीं नहीं लड़ना, जिद्दण तुसीं धर्मी बणदे राह ते तुरे इस हुकूमत नूं बर्दाश्त नहीं होना, उन्होंने तुहाडे नाल आण के युद्ध लड़ना। खालसे ने चढ़ाई नहीं करनी किसी ते, उन्होंने साडे ते चढ़ाई करनी, असीं जवाब देणा। सो इस करके युद्ध जिहड़ा है वह तुसीं आप नहीं लड़ना हुंदा, इह युद्ध आपे तुहाडे गल पै जाणा उहो ही लड़ना है।